नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल एमके मोबाइल इंडिया में। और दोस्तों, आज का जो विषय है वो है सैमसंग छोटा फ़ोन किस वजह से बंद होता है, किस तरीके से बंद होता है, क्यों डेड हो जाता है हमारा फ़ोन, बार बार क्यों बंद होता है। तो दोस्तों, उसकी भी एक वजह होती है, वो क्या वजह होती है इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मेरे पास जो फ़ोन आया है, बंद आया है, वो किस वजह से बंद है, मैं आपको इसी वीडियो में इसी वजह से इसी चीज़ के बारे में दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मैंने इसमें बैटरी लगा के मैं ऑन कर रहा हूँ, ये फ़ोन हमारा ऑन नहीं हो रहा है। तो क्यों बंद होता है फ़ोन, इसी बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले हम क्या करेंगे, इस जे वो हमारा फ़ोन आपने देखा होगा, जेब में रखा हुआ बंद हो जाता है, हिल जाता है तो बंद हो जाता है, या फिर बंद हो जाता है तो चालू नहीं हो पाता, डेड हो जाता है। तो दोस्तों, उस कंडीशन में क्या होगा, हम सबसे पहले क्या देखेंगे, अपनी बैटरी को देखेंगे। बैटरी को निकालने के बाद हम उसको देखेंगे, अगर उसमें कार्बन आ रहा है बैटरी में, या काली पड़ रही है उसका सप्लाई का प्रिंट, तो हम उसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद ही दोस्तों, फिर उसके फ़ोन के बैटरी कनेक्टर को भी साफ़ करेंगे। ये दोनों चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। 90% जो फ़ोन होते हैं वो इसी वजह से ही बंद होते हैं दोस्तों। 90% जो फ़ोन होते हैं वो इसी वजह से ही बंद होते हैं, ये कार बनाने की वजह से, जिसके हम दुकान पे जाके मोटी रकम देते हैं, कोई 100 लेता है दोस्तों, तो आप डेड फ़ोन के हिसाब से कितने भी पैसे आप दे सकते हैं जाके। तो दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप अपने फ़ोन को घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो मैंने आपको दिखाया है वो बिल्कुल सही है, और इस तरीके से ये ठीक होता है। मैं इसको ऑन करके दिखा देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये ऑन हो गया है, तो इसका मतलब हमारे फ़ोन में कार्बन की ही दिक्कत थी। ये 90% लोग 90% जो फ़ोन होते हैं छोटे वाले, वो इसी वजह से बंद होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।